हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को जानकारी हो ही गई होगी। देखिए, यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है, उसी डेट के बारे में हम लोग पूरी विस्तार से डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो इसी नोटिस को हम लोग रीड करेंगे कि आखिरकार जो बीए बीकॉम बीएससी के और बीसीए बीबीए वगैरह के एग्ज़ाम फॉर्म चले थे उसकी जो अपडेट है वो कितनी हो चुकी है, उसी के बारे में संबंध में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के अगर आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा फॉर्म से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। ये जो नोटिस जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया 29/4/2024 को। और ये अधिसूचना क्या है? अधिसूचना है द्वितीय, चतुर्थ और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि छठे सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, तीनों ही परीक्षाओं के जो परीक्षा जून 2024 संस्थागत स्नातक प्रस्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, देखिए जो नोटिस जारी किया गया वो सभी के संबंध में है, स्नातक हो, प्रस्नातक है या फिर प्रोफेशनल जो हमारे कोर्सेज हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीए एलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी बीएससी होम साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बी जी एम सी होम साइंस, बी वोक आई टी, बी वोक योगिक साइंस, इस तरह के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एम एस सी एम एड और उसके साथ साथ एल एल बी एल एल एम, एम एस सी एग्रीकल्चर, एम ए और एम कॉम। यहाँ पे ऐसा कोई भी कोर्सेज नहीं है जो सेमेस्टर वाइज हो, उसके परीक्षा फॉर्म नहीं आए हैं। लगभग सभी के जो है परीक्षा फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या फिर सिक्स सेमेस्टर हो, के सम सेमेस्टर मेन मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म और उसके साथ साथ एक्स एग्जाम फॉर्म सभी जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ बीएफए एमलिब द्वितीय सेमेस्टर की मेन सत्र 2023-24 की परीक्षा शीघ्र होनी प्रस्तावित है। और इनके लिए परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है msuweb.in पर उपलब्ध है। अब हम लोग देखते हैं कि जो संशोधित अधिसूचना जारी की गई है उसमें क्या संशोधन किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं संशोधन की तिथि पर और देखते हैं कि अब जो नई डेट निकल करके आई है वो क्या आई है। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो जो कि खत्म हो चुकी थी उस तिथि को दोबारा से बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा शुल्क जमा कराने की अब अंतिम तिथि रखी गई है 3/5/2024। जी हाँ, 3/5/2024 रखी गई है। और आप लोग अपना जो परीक्षा फॉर्म है ऑनलाइन कराने के बाद अपने कॉलेज में 4/5/2024 तक जरूर जमा करा दें। लेकिन अगर आप लोग 3 तारीख तक अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं करेंगे तो 4 तारीख में आपको ₹300 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 तारीख में हमारा क्या है, पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो फॉर्म भरना ही है तो आप लोग अपना फॉर्म जो है समय से भरिएगा और पेनल्टी से बचिएगा। उसके बाद देखिए, अगर और ज़्यादा लेट करते हैं तो और ज़्यादा आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ₹500 आपको विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। ये विलंब शुल्क कब रहेगा? 7 और 8 तारीख में विलंब शुल्क आप लोगों को देना पड़ेगा। इससे पहले कि ज़्यादा विलंब शुल्क बढ़े, ठीक है, पेनल्टी आप लोगों पर बढ़े, तो आप लोग अपना जो परीक्षा फॉर्म है समय से भरिएगा और अपने कॉलेज में जमा कराइएगा। तो ये थी जानकारी डेट बढ़ने के संबंध में। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितनी होगी आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।